केवड़िया कॉलोनी में ऑफिस बिल्डिंग में मजदूर और ठेकेदार के बीच हुआ मुंह विवाद। ठेकेदार द्वारा मजदूर को दी जान से मारने की धमकी। कॉन्ट्रैक्टर ना तो नियमित वेतन देता है और ना खाने को, यदराम राजपूत। समस्या का समाधान 7 दिवस में ना होने पर मजदूर ने कीटनाशक पीकर जीवन लीला समाप्त करने की कही बात। तो है गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। जी हां, जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देश के नागरिकों को आमंत्रित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वहां पर काम कर रहे मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है। ताजा मामले की बात करें तो धौलपुर राजस्थान के निवासी एक मजदूर यदराम राजपूत का वहां पर एक इमारत के निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा है। यदराम के मुताबिक उसे ना तो समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही खाने की कोई व्यवस्था है। इन सब चीजों से तंग आकर वह कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर है। यदराम के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर रोज शराब पीकर उसे गाली देते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मेरे परिवार में 3 लड़कियां 1 लड़का है, मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में बड़ी परेशानी हो रही है। मेरी बात को यदि ध्यान नहीं दिया गया तो मैं कीटनाशक पीकर अपना जीवन लीला समाप्त कर लूंगा, जिसके जिम्मेदार ठेकेदार होंगे। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। मैं गांव अतरौली का रहने वाला हूं, राजस्थान जिला धौलपुर, गांव अतरौली है मेरा, राजस्थान का रहने वाला हूं, गरीब आदमी हूं, मजदूरी करने के लिए इधर आया हूं गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में। और ठेकेदार वो भी और भाना है गुजरात का, वो भी राजस्थान का है। मेरे को पैसा मिल नहीं रहा है जो महीने से, और मेरे को लात घूंसा मारता है, पैसे मांगते हैं, खाली बकता है और खाली पैसे खर्चे के लिए देता है। और मैं क्या करूं साहब, भाई बोलो, मैं मर जाऊं कैसी खंडर में जा करके, और क्या करूं मैं, बोलो साहब, मेरा पैसा दबाओ कैसे भी, हाथ जोड़ की बात है। अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं जहर खा के अभी मरता हूं। मेरे 3 लड़की हैं और 1 लड़का है, उनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी। अगर मेरे को पैसा नहीं मिला और वो भी भाना और लवकुश लक्ष्मी नारायण और पप्पू जिम्मेदार, किरोरी जिम्मेदार और संतोष कोलारी वाले जिम्मेदार होंगे अगर मेरे साथ कोई घात हुआ तो। सर जी मर जाऊँ क्या करूँ, जल खा लूँ, मैं मर जाऊंगा और क्या करूँ, गुजरात में नाम तो हो जाएगा क्या बिल्डिंग बनी। मेरी समझता गुजरात ईमानदार देश है, मैं कैरी मिल के काम करने के लिए जा रहे हैं, ये गुजरात भी भ्रष्टाचार है, तो मैंने जो पता नहीं मिल रहा, बीवी बच्चे भूखे उधर बैठे हैं, वो तो कहते कोथड़ी पियो और खाना खाओ बस। अब मैं कहीं पर भी पूरा फुका के अभी इस गाड़ी से करता हूँ मैं, और क्या करूँ।